बन रही थी ना मैं अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। नहीं जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दिन का स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा लेट उठे हैं। अच्छा, और आज जो है वो नाश्ता भी थोड़ा लेजी पेजी होने लगा है, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी डाउन थी। और अभी नाश्ता जो है वो मुझे खांसी और गले में जो है वो थोड़ा सा रेशा हो रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा आहिस्ता भी बोल रही हूँ कि अगर तेज़ बोली तो फिर से खांसी शुरू हो जाएगी। What? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी YouTube फैमिली, ठीक ठाक हैं? नहीं, ये देखें जी, आज मैं बना रही हूँ बैंगन की टिक्कियाँ, और ये बहुत मज़े की बनती हैं। मैं आपको सारा तरीका बताऊँगी। बैंगन जो है वो गोल गोल कट हो गए हैं, ठीक है? नहीं, अब मैं मिर्चियों की कट लगाऊंगी इनमें भी। ये देखें, ये कट लगाया है, समझ गया? ठीक है, मिर्चियों में कट। ये ऐसे कट लगा के, और अब इसमें मैंने ये चाट मसाला, ये चाट मसाला और थोड़ा नमक डाल के ना, ये मिर्चियों भी मैं वो कर लूँगी, फिल कर लूँगी इनको। ये देखिए, मिर्चियों में मसाला भर लिया है। अच्छा,
क्या क्या चीज है? ये अदरक का पेस्ट है, शिमला मिर्च है, टमाटर, और ये सब सूख मिर्च। आज भी मेरी बेटी चावल बनाती है, कहती है मम्मी मैं एक गिलास बनाती हूँ और ना मुझे बनाना सिखाए, तो वो आज मजे के चावल बना रही है। पहले कभी बनाई है? नहीं। पहले कभी बनाए हैं? नहीं। चलो आज तो बन रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। ये डलेगा, ये भी आज मलाई का बना रही है, एक गिलास चावल। ये सर्दियों की जबरदस्त डिश, वो मसाले लगे बैंगन जो तवे पे जो है वो फ्राई कर रहे हैं, हनिया फ्राई कर रही है। फ्राइंग वाले काम ये बड़े शौक से करती है, इजी हो जाते हैं ना। इसको भी फ्राई करना है, इसको भी करना है फ्राई, है ना। और ये साथ में जो है वो रायता बना हुआ है, ये जबरदस्त खुशबुएं आ रही हैं बाहर गली में भी। आप क्या बनाया साथ में? रायता। अच्छा, ये रायता है, ये अभी हम खाएंगे खाना। और ये देखें जी, ये मज़ेदार से और सर्विंग हो रही है। ये रायता, ये पुदीना डाला है इसमें, पुदीने सबर धनिया, अभी मिर्ची भी फ्राई करनी है, धनिया जल्दी कर लें। मैं इसी मिर्ची उधर फ्राई कर लेते हैं, किधर? हाँ तो कर लें अम्मी, इससे पहले कि लेट हो जाते ज़्यादा, तो वो तो उसकी साइड पे भी आ जाएगा। करने से ना जूस निकलेगा और उसे जूस में ये बनेगा। अम्मी उसमें आपने वो ऑयल बुक किया होगा, इसमें डाल दें मिर्चें, डाल दो। चलो बस निकाल लो, नहीं नहीं कच्चे हैं, कच्चे हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर है ना? हाँ। वो चूल्हा बंद कर दो मम्मी। हाँ। ले जाओ ना, चली गई हो। ये खट्टा मसाला है अंदर और लेमन, तो ये भी बड़े टेस्टी बने हैं। हालांकि मैंने ना इनके बेसन के ऊपर भी ना मसाला, बेसन वाला मसाला भी पूरा पूरा लगाया जैसे पकौड़ों में। अच्छा जी, शाम के इस पहर भाई मैं और अम्मी और अबू हम सब आए हैं न्यू चूल्हा लेने के लिए भैया, क्योंकि जो हमारा पुराने वाला चूल्हा है ना, ये गैस जो है ना, गैस का प्रॉब्लम कर रहा था, इसकी गैस का प्रेशर जो था बहुत ज़्यादा कम था, तो वी आर डिसाइडेड टू बाय न्यू वन। तो इसके लिए हम सभी नहीं, हम चारों आए हैं घंटा घर 9 नंबर, क्योंकि यहाँ पे चूल्हों की मार्केट है, अच्छे अच्छे चूल्हे मिलते हैं प्यारे प्यारे, तो वी आर डिसाइडेड टू गेट न्यू स्टॉव लाइक इकरा, क्योंकि इकरा के जैसा जो स्टॉव है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। जो पहले वाला था वो स्टील का था, तो अभी हमने सोचा कि हम ना ये इसमें लेंगे, शीशे में लेंगे। तो ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन जो है ना, अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसी वजह से हमें भी पसंद आ गया। तो ये भाई हैं और ये पैसे देने की बारी है, तो ये बंदा जो है ना बहुत कोई जालिम था, इसने कुछ भी ज़रा भी डिस्काउंट कुछ भी नहीं किया, तो बस इसने ना अपने मुताबिक ही रेट लगाया, रेट में कोई भी माफ़ी नहीं। न्यू चूल्हा लेने के बाद सबसे पहले भैया हम लैंड हुए हैं इश्तियाक कोडिंग कॉर्नर हुसैन के, जिसे आप मशहूर काले की दुकान भी कहते हैं।
तो इसका दूध सोडा जो होता है ना वो बेस्ट होता है, लेकिन मुझे वो वाला दूध सोडा नहीं मिला जिसके लिए मैं गया था, वो वाला था नहीं इनके पास। अच्छा, तो मुझे इनकी ड्रिंक्स में ना सबसे ज़्यादा पसंद है मैंगो फ्रेश दूध सोडा, तो वो मुझे मिला नहीं, मुझे ये स्ट्रॉबेरी दूध सोडा मिला, तो बस मैंने ये भी नहीं छोड़ा, यही लिया था, मगर ये उसके जैसा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत डिलीशियस होता है। और ये अम्मी के लिए आइसक्रीम जो है ये बन रही थी, और आइसक्रीम खाने का मन मेरा भी था, मगर वो स्ट्रॉबेरी जो था ना बस ये ले लिया, आप देख सकते हैं। तो ये वाली जो आइसक्रीम थी ना, ये हमने जिनसे चूल्हा लिया ना उन बाबूजी के लिए हमने ले ली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मिले भी लेते आना, तो ये उनके लिए पैक हो रही है आइसक्रीम की। अच्छा जी, न्यू चूल्हा जो है वो घर में आ गया है, और यहाँ पर ना फिंगरप्रिंट के निशान बहुत जल्दी ये कैच कर लेता है, तो अभी यहाँ पर ना मैं इसको थोड़ा क्लीन कर रहा था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा धब्बे जो है ना इस पर लग जाते हैं। तो जो इकरा वाला है वो तो अक्सर आप देखते होंगे, अगर आप नोटिस करते हैं तो उस पर भी निशान तो लगते होंगे। तो ये वाला जो पुराने वाला चूल्हा है ना भैया, इसको अभी हम उठाएंगे, और ये पीछे जो टाइल्स आप देख रहे हैं ना इनको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर काले धब्बे जो है ना वो लग जाते थे, तो अम्मी इनको साफ़ करेंगी। तो ये देखें अभी बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, और ये पुराने चूल्हे की वजह से हुए हैं। ये चूल्हा भी हमने न्यू लिया था जब घर बना था, बट हमने ये सोचा था कि ये अच्छा होगा, लेकिन हम लेकर भी आए तो ये हमारी जो हमारी उम्मीदें थी ना उनके मुताबिक नहीं रहा। तो अभी हम इसको पैक करके ना कर रख देंगे, सुबह जो है ना गोला भी आ जाएगा सुबह सुबह, तो इंशाल्लाह इसको ना क्लीन करके इसको रख देंगे, क्योंकि ऊपर भी किचन है तो इसको ऊपर एडजस्ट करेंगे, अगर ऊपर भी एडजस्ट ना हुआ तो उसमें भी फिर ऐसा ही लगवाएंगे ये जो ग्लास वाला आप देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला चूल्हा जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, वैसे मुझसे ज़्यादा ये अम्मी को पसंद आया है, तो बस अम्मी को पसंद आ गया है तो यानी कि यस है। और बहुत हैवी शीशा था, और ऑलमोस्ट ये 5 mm का था, ये इससे भी काफ़ी थोड़ा जो है ना मोटाई में ज़्यादा था शीशा, और ये भारी भी बहुत था। अगर इसके मैं वेट की बात करूं तो भैया इसका वेट होगा ऑलमोस्ट 15 से 20 के दरमियान, तो काफ़ी हैवी था ये, आप देख सकते हैं। अम्मी और मैंने इसको रखा और काफ़ी ज़्यादा ध्यान से रखा, क्योंकि ये था ग्लास का, और इसको रखते हुए ना काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो अभी ये देखें हमने इसको लगा लिया, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, और बस अब इसको ध्यान से भी रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अभी मैं दोबारा से इसके फिंगरप्रिंट जो है ना उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ पे था ना उस वक्त, तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट ये कैच कर रहा है। बाय द वे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं, ये देखें जी ऑन हो गया है, और प्रेशर भी बहुत बहुत अच्छा बेहतरीन है। तो ये जो इकरा वाला चूल्हा है ना सेम कंपनी का है। अच्छा, यहाँ पे जो है चूल्हा जो है वो इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे हम फ्लेम को चेक कर रहे थे कि फ़्लेम का प्रेशर कितना है, तो इनफ है फॉर अस, और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह चूल्हा, अल्लाह पाक नसीब करें। और मुझे लगता है इसके ऊपर सबसे पहले ना वैसे बिरयानी बननी चाहिए, ताकि इसकी उम्र लंबी हो, और मुझे भी लगता है कि इसके ऊपर बिरयानी बनाने से ना ये ज़्यादा देर चलेगा। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये मैंने लाइट्स ऑफ करके ना थोड़े फ्लेम्स के शॉट लिए थे। Thank you.